तो सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को उठाया, रोजगार से लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि सरकारी क्षेत्र में सरकार ने 73,000 नौकरियां दी हैं। हरियाणा, हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग देश के जो एवरेज है, ऑल इंडिया का जो आंकड़े हैं, उसमें कहीं बेहतर स्थिति में है हरियाणा। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी वार्षिक 2018-19 जो नेशनल लेवल 6.8 हो गई थी, हरियाणा 8.2, यानी 1.4 ये जीडीपी हरियाणा की देश के मुकाबले में ज़्यादा है। और हर बार हर वर्ष 1% का गैप तो ज़रूर रहता है, तो हरियाणा की पोजीशन ये देश की एवरेज से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी है। देश भर की बहुत सी योजनाएं उनको तो हम फॉलो कर ही रहे हैं और उनको जो योजना बनती है उसको सबसे जल्दी यानी सबसे पहले लागू करने वाला कई चीज़ों में हरियाणा प्रदेश है। वहीं स्टेट की ओर से भी हमने जो योजनाएं बनाई हैं, खास करके गरीब परिवार जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया से कम है, ऐसे परिवारों को सुविधाएं ज़्यादा ज़्यादा हम दें। 6,000 रुपया उनकी सोशल सिक्योरिटी के नाते भविष्य की योजनाओं के अंदर वो अपने प्रीमियम, अपनी किस्तें, इंस्टॉलमेंट्स दे सकें, तो ऐसा हर ऐसे परिवार को 6,000 रुपये की सहायता ये हमने दी है। केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये अलग से दी है, हमने 6,000 रुपये अलग से दी है ताकि इसका लाभ, इसके लिए सभी परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और एक परिवार समृद्धि योजना के नाम से इनको ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मैं समझता हूँ कि निवेश के नाते भी अच्छा निवेश 80,000 करोड़ रुपये से ऊपर का निवेश हो चुका है और बाकी जो MOUs हैं उनसे लगातार हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, हर एक MOU के साथ हमारा एक कोई अधिकारी, कर्मचारी अधिकारियों में से एक व्यक्ति को हमने रिलेशनशिप मैनेजर लगाया हुआ है। कहीं कहीं कुछ कठिनाइयाँ किसी की ज़मीन की आती है, कठिनाई किसी की कोई प्रावधान, कोई भी ऐसे अड़चन आती है तो उसको दूर करने के लिए और उसको कन्विंस करने के लिए हरियाणा में वाकई इन्वेस्ट करें। और ये जो हमारा 85,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये किसी भी 5 साल के पिछले पीरियड में कभी इतना नहीं हुआ है। बॉन्ड जारी करने के लिए सार्वजनिक बैंकों को 70,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया है, जिससे 5,00,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स यानी चल निधि, जिसको कहते हैं चल निधि, जारी की जा सकती है। ऐसे कारपोरेट, खुदरा उधारकर्ता, MSME, छोटे व्यापारी आदि, इन सबको उसका बहुत बड़ा एक लाभ होगा। एप्लीकेशन के बाद जिनको पाया गया, एक प्रकार से अप्रूव की गई एप्लीकेशन जो उसके एलिजिबल हैं, तो उन ऐसे 97,000 एलिजिबल लोगों में से 82,000 लोगों को ये हमने काम दिया और उसमें लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो काम देने के बाद एक समय पूरा होने से पहले ही नौकरियां कहीं पा गए तो उसमें से वो विड्रा करके छोड़ के गए हैं ताकि दूसरी जगह पर काम मिल गए। आज भी 40,000 से ऊपर लोग इनको हम 100 घंटा प्रति महीना काम दे करके और 7,500 रुपया ग्रेजुएट्स को और 9,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट्स को ये देते हैं। और इसमें भी जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो इस लेवल के लोग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अब अनएम्प्लॉयड नहीं हैं, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयड होते तो इसमें आकर के उनका रजिस्ट्रेशन ज़रूर होता है।